आज ना फर्स्ट टाइम मैं ना मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। फिर भी जाइए और बहुत सारा प्यार दीजिए, ये भी दोस्त है, इसका भी चैनल पे आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सामने में ना पूरा सब्जी लगा हुआ है उधर। आज काके बाजार है, सैटरडे मार्केट था 2 बजे। ये रास्ता से ऊपर जाएंगे, लेट तो हो। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो अभी घर से निकल चुका हूँ मैं और आज ना फर्स्ट टाइम मैं ना मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। तो ये मेरा जो हेलमेट है ना वो ऑलरेडी पूरा फिट है, रेडी है पूरा। और अभी मेरा एक दोस्त भी आने वाला है जो कि ऑलरेडी वो भी ब्लॉगर है, तो जैसे आएगा फिर हम लोग दोनों साथ में निकलेंगे और मस्त मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो गाइस भाई हमारा आ चुका है, ये भी गाइस ये खुद ब्लॉगर है। तो गाइस मेरे चैनल का नाम ओइट सैनी, आप लोग मेरे चैनल पे भी जाइए और बहुत सारा प्यार दीजिए, ये भी दोस्त है, इसका भी चैनल पे आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस। और आज जो हम लोग जाने वाले पिठोरिया जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम मोटर ब्लॉगिंग करने वाले हैं, देखते हैं कैसा ब्लॉग होता है। भाई एक भी एक्सपीरियंस नहीं है मोटर ब्लॉगिंग का, कुछ भी नहीं है, बट ट्राई करते हैं अपन आज। अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो कैसे ही सीखेंगे, हर चीज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अभी सब चीज कोई भी कोई आदमी सब चीज पहली बार ही करता है, धीरे धीरे करके उसको एक्सपीरियंस आता है, फिर वो आगे बढ़ता है। अभी अपन भी ना मोटो ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, हेलमेट हमारा रेडी है। तो गाइस कैमरा हमारा जो है ना वो सेट हो चुका और मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। और बट अपन जो है ना जैसे भी अभी बीमार है, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि मॉन्ट जो अपने लगाया था ना वो उल्टा है कि सीधा, अभी पता नहीं मेरे को। तो अभी जा रहे अपने एक दोस्त है उसके पास, अगर वो अभी अवेलेबल होगा तो वो मेरे को बता देगा कि मॉन्ट वॉल कैसे लगता है। और मोटर ब्लॉगिंग का ना एक फायदा है कि अपन आराम से कैमरा माउंट कर दी और कुछ भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कैमरे में, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से अपन चल रहे, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। गाइस आज बहुत ही भीड़ है क्योंकि आज काके बाजार है, सैटरडे मार्केट। तो गाइस अभी मैं एक एम्बुलेंस का पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न कर रहा था तो अपन साइड हो गए, क्योंकि किसी के लिए एक मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो अपन साइड हो गए और एम्बुलेंस जो था वो निकल चुका है। और अपन धीरे धीरे चल रहे रोड में, क्योंकि ना क्योंकि अपने को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा ब्लॉगिंग करना, मोटो ब्लॉगिंग करना। मन्नत भी बहुत लोगों की पूरी हुई है, आप एक बार मान के जरूर देखिए। अभी लग रहा है बारिश हुआ है, अभी तक मौसम बहुत अच्छा था गाइस, बट अब लग रहा है बारिश वाली था। तो गाइस ये है पिठोरिया चौक अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है इस चौक को। तो अपन अभी यहाँ पर लेफ्ट लिए और जा रहे अंदर। इस रास्ते से अगर आप सीधे जाते रहेंगे तो तकरीबन यहाँ से 16-17 किलोमीटर ठाकुर गांव है, वहाँ से 20-25 किलोमीटर आपको ये खलारी भी पड़ेगा और बीच में ही एक ब्लॉक पड़ता है, तो ये रास्ता 3 ब्लॉक को कनेक्ट करता है। पहाड़ वहाड़ भी निकल जाते हैं ना, तो जंगल उंगल टाइप का जो रामगढ़ उस जगह का नाम उर्दू है, वहाँ पे बहुत सारे जंगल, वहाँ पे भी हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे किसी दिन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा जंगल है, बहुत अच्छा आएगा वहाँ, खत्म होगा तभी जाएंगे। तो जाना थोड़ा ज्यादा सेफ नहीं है ना, बहुत सारा जानवर कीड़ा ये सांप वगैरह, तो मैक्सिमम निकल ही जाता है भाई। विलेज है ना ये पूरा, पूरा विलेज के अंदर अपन एंटर कर चुके हैं और मैं इधर फर्स्ट बार आ रहा हूँ और भाई तो ऑलरेडी आते जाते रहता है। का बचपन पूरा यहीं पे बीता है, पढ़ाई लिखाई है ऑल चीज़ जो है ना भाई, पूरा कांड सब इधर ही किए हुए हैं, तो भाई को पूरा गली गली इधर का पता है। ये देख सकते हो आप मुंडी विलेज यहाँ पे खेती होता है, भाई के घर पहुँच चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, जा रहे अभी अंदर। गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग सूरज के यहाँ,
के घर में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे हम हैं और हैनी ब्रो है, और भाई जो अभी नहा रहा है, बहुत ज़्यादा काम करता है ना, तो थोड़ा मोड़ा अभी बिजी है, नहा रहा है, बस नहा के बस आ रहा है अभी, उससे भी मिलवाते हैं। और यहाँ पे ना आने के बाद मेरे को पता चला ना भाई, खेती क्या तो, मतलब मैं अभी रोड से आ रहा था ना, तो जितना भी स्टेबल था ना, सब पूरा एकदम लाइन से लगा हुआ था। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, और भाई जो है वो आ चुका है अपना KTM लेके, इसे करके देखना होता है, देखना पड़ेगा। ये सूरज भाई है, अभी अपन इसी के घर आए हुए थे, अब यहाँ से निकल रहे और जा रहे हैं वहाँ जो पहाड़ दिख रहा ना, दिखाते वो वाला जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे अपन जा रहे हैं। अपन लोग हो चुके हैं कैमरा लेके, इधर GoPro और इधर गाइस, हमको भी इंट्रो शूट करना है, तो अपना इंट्रो शूट करके फिर मिलते हैं, बने रहिए आप लोग। पहाड़ पे जा रहे हैं ना, पहाड़ घूम कर दिखा, अभी बैक कैमरा से जूम करके पहाड़ दिखाते हैं यहाँ से। और सब्जी लगा हुआ है सामने में, जहाँ तक नज़र जा रहा ना, केवल सब्जी सब्जी लगा हुआ है, और इधर भी है, सारा टाइप का सब्जी यहाँ पे लगा हुआ है। पहाड़ पे जाने के लिए अपन हो चुके हैं रेडी, गाड़ी वाड़ी सब सेट हो चुका है। तो गाइस अभी अपन ना निकल चुके हैं यहाँ से, और दोनों तरफ जो है वो जंगल है और सब्जी है, पूरा पेड़ पौधा से भरा हुआ है, घिरा हुआ है चारों, और रोड जो है यहाँ का कच्चा रोड है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी कुछ दिन में बनी जाएगा। पूरा ये वो सब्जी सब्जी, पर्यावरण बहुत अच्छा है यहाँ पे ना भाई, इन्वायरमेंट यहाँ का ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सही है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे ना। अगर आप इधर भी रहोगे, आप अगर इधर रहोगे ना, तो आपको पंखा और ये सब लाइट वाइट का उतना ज़्यादा नीड नहीं रहेगा, बस अपना सोलर लगवाइए, लाइट कनेक्शन का भी ज़रूरत नहीं है, आराम से मस्त एकदम ये भाई अपने साथ, आपका नाम अभिषेक तो अभिषेक भाई है, अभी ये गाड़ी चला रहे हैं, और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, और हमारे पीछे हैनी ब्रो और सूरज ब्रो है। भाई अभी ना हम लोग का ना यहाँ पे आने का प्लान था 2 बजे के अराउंड अपन को यहाँ पे आ जाना था, बट हम लोग ना 4 बजे तक आए यहाँ पे, तो अभी ना नाइट भी हो चुका है, पता नहीं व्यू वहाँ से ना, ये मतलब अभी अपन चल रहे हैं ना, तो व्यू उतना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, ये तो अपने को पता नहीं है, बट अपन ट्राई कर रहे हैं जल्दी पहुँचने का, और जल्दी से व्यू जो है ना कैप्चर कर लेते हैं, अगर टाइम पे पहुँच पाए ना तो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, अगर टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस अभी अपन ना पिठोरिया जो क्रॉस कर रहे हैं, और वो वाली जो पहाड़ दिख रही है ना, वो वाली पहाड़ उधर अपन जा रहे हैं, और यहाँ का इन्वायरमेंट ना इतना ज़्यादा अच्छा है ना भाई, आई बोले, और पॉल्यूशन जो बोलते हैं ना भाई, एक भी मतलब पॉल्यूशन ना बहुत ज़्यादा कम है, दूर से ही ना पूरा पहाड़ ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ से दिख रहा है, कहाँ से ले लो पहाड़। अभी ना अपन जो है पूरा पहुँच चुके हैं पहाड़ के जस्ट बगल में, हमारे साइड साइड जो है ना वो पहाड़ है पूरा, और साइड से एक रास्ता भी जाता है, जो रास्ता में अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भाई को पूरा इधर के एरिया के बारे में अच्छा नॉलेज है, मेरे को तो उतना कुछ नॉलेज है नहीं, बट अपन चल रहे हैं, भाई इधर ही रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि ये रेगुलर आते जाते रहते हैं। समझ रहे हो आप। और पहाड़ बहुत बड़ा बड़ा एकदम पहाड़ है, ऊँचा था, बहुत ज़्यादा ऊँचा था, और इसके सामने सीधा खड़ा हुआ लगभग 360 यहाँ पे ना, टोटल 360 स्टेयर से अपने को ना उतना ऊपर अभी चल के जाना पड़ेगा, गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी भी हम लोग चला सकते हैं। यही वो मैरिज हॉल है, अभी बन रहा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये चेक कर रहा है हर तरफ पहाड़ी पहाड़, और ये रोड है इस पर अपन गाड़ी चला रहे, जहाँ तक गाड़ी चल जाएगा वहाँ तक चलाएंगे, उसके बाद अपने को स्टेयर चढ़ के चलना पड़ेगा यहाँ से, यहीं पर लेगा ना। तो गाइस ये गेट है, यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, और गाड़ी हमारा यहाँ पे पार्क करेगा। अभी एनी ब्रो भी है ना जो आ रहा है पीछे, अभी दुकान में उसको रुकना पड़ा, गाइस दुकान से उसको कुछ लेना था एनी ब्रो को, तो वो अभी आ रहा है दुकान के पास, वो जस्ट रुका ही हुआ है, तो वो भी आ रहा है, उसका वेट करते हम लोग, जैसे आएगा फिर अपन जो है ना ये रास्ता से ऊपर जाएंगे, लेट तो हो चुका है, बट देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद अच्छा सीन मिलता है हम लोग को कि नहीं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया है, प्राकृतिक है, बहुत सारा पेड़ है, गुफा है, पेड़ उड़ है,
देखते हैं अभी, हम लोग तो लेट ही हो चुके हैं।